दोस्तों गर्मियों का सीजन आ गया और आप एसी बाय करना चाह रहे हो और टेंशन में है कि कौन सा एसी मेरे लिए बेस्ट होगा। दोस्तों तो देखिए सिंपल सा मैं आज के वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि आपको कौन सा एसी बाय करना चाहिए, एसी में क्या क्या देखना चाहिए और किस तरह का एसी लेना चाहिए। जनरली दोस्तों जो हमारा कमरा होता है वो दोस्तों 10x10 का होता है या 12x12 का होता है, तो इसके लिए दोस्तों बेस्ट एसी रहेगा 1.5 टन का, या फिर दोस्तों अगर आप हॉल में है तो 2 टन का आप एसी लगा सकते हैं, या फिर छोटा दुकान वगैरह है तो 1 टन का भी काफी होता है। तो आपको यहां पर कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों कि एसी आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिसको एसी चाहिए 1.5 टन का, मतलब अपने कमरे में लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों कमरे में लगाने के लिए 1.5 टन का 5 जबरदस्त एसी के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। और ये जो एसी है दोस्तों 5 अलग अलग कंपनी का, और वो जो कंपनी में दोस्तों ये जो 1.5 टन का एसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों एसी में हमें क्या क्या देखना चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया ताकि दोस्तों आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, नोटिफिकेशन फट से पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एसी में हम क्या देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी दोस्तों मैटर करता है कि वो एसी किस तरह का है। जैसे दोस्तों एसी तो सब बनाते हैं लेकिन दोस्तों देखना चाहिए हमसे कि उसका विंड वगैरह कितना बड़ा है, एयर फ्लो कहां से फेंक रहा है। दूसरी चीज दोस्तों अल्मोनियम बैंडिंग है या कॉपर बैंडिंग है, मतलब उसका कंडेंसर वगैरह और वो जो वायरिंग होगा वो किस तरह का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग आपको रहना चाहिए। तो इन 5ों एसी में दोस्तों विंड आपको बड़ा मिलेगा, मतलब एयर फ्लो जो है काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। दूसरा चीज़ है कॉपर बैंडिंग होगा, 100% कॉपर पे होगा दोस्तों। तीसरा चीज़ इको फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है और एसी वगैरह चलाएंगे तो वातावरण भी ख़राब हो रहा है। तो R32 गैस जिसमें यूज़ होगा दोस्तों, 410 का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था ओल्ड ज़माने में लेकिन दोस्तों अभी R32 गैस यूज़ हो रहा है। चौथी चीज़ दोस्तों सबसे ज़रूरी कि दोस्तों पावर कंजप्शन कैसा होगा, मतलब सिंगल फेस में चलेगा कि नहीं। तो ये 5ों एसी दोस्तों सिंगल फेस में चलेगा लेकिन दोस्तों पावर ऊपर नीचे होगा तो वहां पर दिक्कत है। तो दोस्तों वही चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको ये कौन सा एसी को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरह का एसी आता है, एक सिंपल और एक इन्वर्टर। तो इन्वर्टर एसी दोस्तों आपका क्या है, पावर कंजप्शन को बहुत ही कम खाएगा बिजली और आपको ज़बरदस्त कूलिंग देगा। तो चलिए यही दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन हुए, आप शुरू करते हैं एसी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको एक एसी लेना है 1.5 टन का दोस्तों और आपका बजट है 30,000 रुपये, तो दोस्तों आप ले सकते हैं वर्लपूल का 1.5 टन का एसी। जो भी एसी मैं बता रहा हूँ उसका दोस्तों कोड नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, लिख लीजिए, या फिर दोस्तों जो भी आप एसी आपको पसंद है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या ऑफलाइन देखना चाहते हैं तो कोड नंबर लेके जाइए शॉप में और बोलिए ये वाला जो एसी है मुझे चाहिए, वो आपको दे देगा। इसके जो प्राइस है दोस्तों 29,999, 30,000 रुपये में दोस्तों 1.5 टन का मिलेगा। आप चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन का, तो डिजाइन काफी जबरदस्त है। और इस एसी में दोस्तों एक खास बात मैं बता देता हूं कि इसका दोस्तों एयर फ्लो सबसे ज़्यादा है, इन 5ों एसी में से सबसे ज़्यादा एयर फ्लो दोस्तों इसका है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत सा है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं, बड़ी सी विंट मिलेगा और दोस्तों 10 साल का यहाँ पर वारंटी देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है दोस्तों, ये देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। टर्बो कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है जो 55 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको कूल करके देगा, ये जो काफ़ी अमेजिंग बनाता है। एनर्जी एफिशियंट है दोस्तों, ये काफ़ी ज़बरदस्त आपको दोस्तों यहाँ पर पावर को बचा कर देगा। दूसरी चीज है इसका एयर फ्लो, जैसा मैंने बात किया कि काफी जबरदस्त है इसका एयर फ्लो। बात करते हैं दोस्तों 100% कॉपर पे आता है और R32 गैस इको फ्रेंडली दोस्तों इसमें गैस दिया गया है। डायमेंशन वगैरह जबरदस्त है, आउटडोर आप देख सकते हैं इस तरह का, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी 5220 का है जो काफ़ी ज़बरदस्त इसको बनाता है। बात करते हैं दोस्तों रिमोट वगैरह इस तरह का है, 6M टेक्नोलॉजी पे ये आता है दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी ज़बरदस्त इसको बनाता है दोस्तों। और 100% कॉपर तो मैंने पहले बता दिया, और इसमें दोस्तों हैप्पी फिल्टर मीडिया दिया गया है जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इस पर नहीं जाना चाहिए, साफ तो आपको खुद से ही करना होगा, खुद ब खुद दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों दुकान में चूतिया बनाने का काम करता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये खुद ब खुद क्लीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डस्ट वगैरह को आपको खुद भी करना होगा। चाहे आप 10 लाख का या 20 लाख का एसी ले लो दोस्तों, सफाई करने के लिए आपसे खुद को करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ है, और ब्लू कोटिंग दिया गया है दोस्तों, मतलब बारिश वगैरह में अगर भीगेगा आउटडोर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और दोस्तों इसका जो पावर कंजेशन है 1660 वाट का आता है, तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है ये। तो ये एसी आप ले सकते हैं दोस्तों, वर्लपूल का 1.5 टन 30,000 रुपये में काफ़ी ज़बरदस्त डील्स रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 1,000 रुपये और मिला लेंगे तो आपको एक सैमसंग का एसी मिल जाएगा 30,999 रुपये में, ये भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त
देखने में लगता है, विंड वगैरह काफ़ी बड़ा है, ऑटो क्लीनिंग के साथ आता है, ये वाला वर्ड दुकान वाला आपको बोलेगा, लेकिन इसमें मत जाइए दोस्तों, साफ तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे कॉपर कंडेंसर वगैरह दिया गया है, 100% कॉपर है दोस्तों, इको फ्रेंडली R32 गैस वगैरह दिया गया है, नाइट स्लिप मोड वगैरह दिया गया है, और जैसा एंटी डस्ट पार्टिकल जो मैंने बताया वो चीज़ दिया गया है, अलग अलग तरह का मोड दिया गया, और इसका जो दोस्तों पावर कंजप्शन है 1748 वाट का है, तो इस तरह का कुछ है दोस्तों। 5250 आरपीएम पे दोस्तों ये एयर फ्लो करता है, तो इस तरह का कुछ है, लेकिन दोस्तों वर्लपूल से थोड़ा सा कम है यहाँ पर एयर फ्लो में। वर्लपूल में दोस्तों सबसे ज़्यादा एयर फ्लो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये चीज़ है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी में किसी और ब्रांड में है वो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। आउटडोर वगैरह इस तरह का है दोस्तों, रिमोट वगैरह इस तरह का है, 10 साल की वारंटी इस पर भी देखने को मिलती है दोस्तों, और ब्लू कोटिंग के साथ ये भी आता है, कॉपर कंडेंसर आपको दिखता होगा, तो इस तरह का कुछ है। वहीं दोस्तों बात करते हैं, इन दोनों कंपनी में अगर आपको नहीं लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों हिटाची का एसी 1.5 टन का दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है, 33,499 रुपये इसकी प्राइस है, मतलब दोस्तों 35,500 में ये मिलेगा। बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, 100% ये भी कॉपर के साथ आता है, इको फ्रेंडली है, हर तरह का मोड इसमें दिया गया है दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ एंटी डस्ट पार्टिकल को दोस्तों मारने के लिए कुछ पार्ट मार लेगा दोस्तों, बाकी सफाई तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी 10 साल की वारंटी वगैरह दी गई है, तो इस तरह का कुछ है, और ये दोस्तों 1730 वाट का दोस्तों पावर कंजप्शन करता है, मतलब दोस्तों अगर आपका पावर बताया जाए खाने में तो ये दोस्तों थोड़ा नॉर्मल है, पावर थोड़ा कम खाएगा, लेकिन ये एसी जो है दोस्तों सिंगल वोल्टेज अगर आपका आ रहा है 220 एकदम बराबर, तो दोस्तों ये एसी चलेगा, वरना आपको डबल फेस लेना होगा दोस्तों, स्टेबलाइजर वगैरह आप सोचेंगे कि काम कर जाएगा, तो आप दोस्तों गलत फहमी में जी रहे हैं। आउटडोर वगैरह आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ है, तो यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर एसी की, तो दोस्तों ये कैरियर कंपनी का आता है 1.5 टन का, 34,499 रुपए इसकी भी प्राइस है, बहुत ही जबरदस्त गुड लुकिंग पे ये देखने को मिलता है, व्हाइट कलर में आता है दोस्तों, और अलग अलग तरह का इसमें फीचर्स दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसकी फीचर्स, तो दोस्तों इसमें पावरफुल कूलिंग वगैरह दिया गया है और PM2 फिल्टर वगैरह दिया गया है, ये फिल्टर दोस्तों सिर्फ चूतिया बनाने का मशीन और कुछ नहीं है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ है, लेकिन एसी काफी जबरदस्त है, ये कैरियर कंपनी अगर आपको बेस्ट लगता है तो ये आप बाय कर सकते हैं। बात करते हैं स्लिप मोड दिया गया है, माई मोड दिया गया है, टर्बो मोड दिया गया है, बहुत सारा चीज दिया गया, और इसका दोस्तों रिमोट में खास बात यह है कि बैकलेट रिमोट दिया गया है, मतलब लाइट वगैरह जलता है रिमोट में, तो टेंशन की बात नहीं है देखने में, वरना आप दोस्तों मोबाइल से ज्यादातर लोग यूज करते हैं जैसे मैं यूज करता हूँ, तो इस तरह का कोई है। डिस्प्ले वगैरह भी दिया गया है, डिस्प्ले को आप हाइड वगैरह कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें खास चीज यह है कि इंटेलिजेंट CRF दिया गया है, मतलब ये दोस्तों के ज्यादा डस्ट वगैरह अगर हो जाएगा तो ये खुद भी खुद इंडिकेट कर देगा दोस्तों, और बताएगा कि डस्ट बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको सफाई की जरूरत है। वैसे दोस्तों 2 महीना में एसी को साफ करिए तो आपका एसी दोस्तों जबरदस्त चलेगा, ऐसा मुझे सर्विस सेंटर ने कहा, और वो लोग दोस्तों इस फील्ड में माहिर होते हैं। ऑटो क्लीनिंग करता है दोस्तों, R32 का गैस है दोस्तों, इसमें 100% कॉपर वगैरह दिया गया है, डिजाइन वगैरह काफी जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त, और इसका कूलिंग कैपेसिटी जो दिया गया है 5200 है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ है। रिमोट वगैरह काफी स्टाइलिश है, तो कैरियर कंपनी का वैसे भी दोस्तों एसी काफी जबरदस्त रहता है। और दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें नंबर एसी की, तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन सा एसी यूज करता हूँ, ये जो पांचवा नंबर वाला एसी है दोस्तों यही मैं यूज करता हूँ, बहुत ही रिसर्च करके दोस्तों मैं ये एसी निकाला था, 1.5 टन का है दोस्तों, 31,500 मुझे पड़ा था, लेकिन अभी 32,499 रुपए नेट पे शो कर रहा है। ऑफलाइन अगर दोस्तों ये 31,000-32,000 में पड़ जाएगा दोस्तों तो काफी जबरदस्त होगा। ये है वोल्टास का दोस्तों 1.5 टन का एसी दोस्तों, इसका जो कोड है नीचे दिया गया, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, टिप्स देता हूँ कि जो कंपनी सिर्फ एक ही चीज बनाता है उस पर फोकस कीजिए दोस्तों, इसका जो सर्विस है बहुत ही फास्ट है, मतलब कॉल करते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा होता है दोस्तों क्लीनिंग वगैरह में या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक कॉल में दोस्तों बंदा घर पे हाजिर हो जाता है 6 घंटे के अंदर। तो सर्विस मैं टाटा जमशेदपुर में रहता हूँ तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़बरदस्त है, आपके एरिया में दोस्तों जिस एसी का सर्विस काफ़ी ज़बरदस्त होगा वही एसी आप बाय करिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, तो R32 गैस इसमें भी दिया गया है दोस्तों, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम दिया गया है इसमें, इन्वर्टर एसी ये भी है काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों, कूलिंग वगैरह देता है, 100% कॉपर है, मैं खुद यूज़ करता हूँ और दोस्तों मैं इससे बहुत ही खुश है, कम नॉइज इसमें देखने को मिलता है, हाइडिंग डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, ऑटो स्लिप मोड, नाइट मोड, बहुत सारा का मोड दिया
दिया गया। आप जैसा मोड रखना चाहते हैं वैसा मोड रख सकते हैं दोस्तों। तो यही 5 ऐसे हुए जो दोस्तों अपने प्राइस सेगमेंट में और अपने हिसाब से दोस्तों बेस्ट है। तो जो भी आपको एसी अच्छा लगे दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं एसी के बारे में कि दोस्तों एसी को बराबर 2 महीने में आप क्लीन कर लीजिए। 1.5 टन का अगर एसी ले रहे हैं दोस्तों, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 100% कॉपर वाला लीजिए, इन्वर्टर एसी लीजिए। एलजी का भी डुअर इन्वर्टर एसी होता है, वो भी बेस्ट है दोस्तों, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। वही दोस्तों डुअल इन्वर्टर बोलता है, लेकिन काम वही सेम करता है दोस्तों जो इस तरह का है। तो दोस्तों मैं वोल्टास का, मुझसे पूछेंगे कि मैं वोल्टास का इसलिए लिया कि मुझे सर्विस इसकी अच्छी लगती है, ये एक ही चीज़ पर फोकस किया है। और दोस्तों जो एक चीज़ पर फोकस करता है वो धोखा नहीं देता, ये मुझे लगता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। और दोस्तों नीचे वाला वीडियो जरूर देख कर जाइए, आपको जैसा अच्छा लगे वो करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।